एमआईएम के पदाधिकारियों का रावेर विधानसभा दौरा। फैजपुर शहर में एमआईएम का इलेक्शन दौरा। जिला अध्यक्ष अहमद सर, सानी सैयद, इमरान खान, रशीद हाजी, यूसुफ भाई, नवेद ने किया दौरा। एमआईएम में डॉक्टर मुदस्सर नजर ओ यूनुस शेख उर्फ गबलिया ने किया प्रवेश। इस समय फैजपुर के एमआईएम के कार्यकर्ता इमरान खान, अलीम शेख, असलम तड़वी, अफ्तर मलिक, परवेज आसिर सर, शाकिर खान, इम्मो इमरान सर, सिकंदर अली, बिलाल शेख, जहीर मोमिन, जाकिर खान, अमित मोमिन और बहुत से कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समय एमआईएम के जिला अध्यक्ष अहमद सर ने जनता की बात पर बताया कि एमआईएम आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में क्या करने वाली है। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात आप तक। कुव्वत के साथ, जिस ताकत के साथ और पूरी जिस ईमानदारी के साथ और पूरी बुनियाद को लेकर मजलिस जो मुद्दे उठा रही है, तो समाज में और देश में मजलिस की तरफ लोगों का देखने का जो रुझान है वो बहुत पॉजिटिव से पॉजिटिव तर होता जा रहा है और उसमें उससे हमारी और हिम्मत बढ़ी। रावेर चोपड़ा तालुके में जिस तरीके से वहाँ के मुकामी लोगों ने हमारा इस्तकबाल किए और चर्चा में नौजवान, अधेड़ उम्र के लोग और बुज़ुर्ग लोगों ने हिस्सा लेकर ये साबित किया कि मजलिस को चाहने वाले सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि अधेड़ उम्र के लोगों में भी मजलिस की मोहब्बत है और बुज़ुर्ग लोग भी अपनी दुआओं का हाथ मजलिस के नौजवानों के सरों पर रखना चाहते हैं। चोपड़े और विजिट के बाद हम अड़ावत रुके। अड़ावत के बाद साकली हमारा कयाम रहा। अड़ावत में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे चर्चे, बहुत अच्छे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा हुई। उसी तरीके से साकली में एक हॉल में नौजवानों ने इसका जो है हमारा छोटा सा इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा। उसमें हर गांव में, हर तालुके के मुकामी इश्यूज़ को, लोकल इश्यूज़ को, जो मुकामी मसाइल है उसी पर मजलिस ने चर्चा की। पूरे देश की राजनीति पर चर्चा करने की बजाय मजलिस ने ये सोचा कि क्यों ना मुकामी सतह के मसाइल लोगों के जाने जाए ताकि हम ग्राउंड लेवल से लोगों के मसाइल हल करते हुए आगे बढ़े। ये एक ऑफिशियल दौरा था बहसीत ज़िला सदर और मेरी टीम का। चोपड़ा से जाने के बाद, चोपड़ा, अड़ावत, साकली के बाद यावल में हमारा कायम हुआ। यावल में बहुत गर्मजोशी के साथ और पूरे जोश के साथ वहाँ के लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया और कुछ लोगों ने, जिनको हम दिग्गज कहते हैं, उन्होंने उनके घरों पर मजलिस की टीम को बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की, उनके साथ कुछ पॉइंट्स जो है चर्चा किए, डिस्कस किए। इससे हमको ऐसा लगता है कि यकीनन आने वाले इलेक्शंस में मजलिस बहुत भारी अक्सरियत के साथ इस पूरे लोकसभा में अपनी कामयाबी का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी पड़ाव हमारा फैजपुर रहा। डॉक्टर मुदस्सिर साहब के दौलत कदे पर मजलिस की पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम यहाँ पर हाजिर है। इतनी बड़ी तादाद में फैजपुर के लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई, इत्मीनान हुआ, बल्कि ये यकीन है अब कि आने वाले इलेक्शंस में मजलिस का परचम फैजपुर की नगर परिषद पर ज़रूर लहराएगा इंशाअल्लाह। मजलिस अपनी पूरी ताकत के साथ आने वाले तमाम नगर पालिका और नगर परिषद के इलेक्शंस लड़ेगी। जहां मुमकिन हो सकेगा वहीं पर हमको, जहां लगता है कैलकुलेशन रहेगा हमारा, एक सिस्टम रहेगा, जहां लगता है कि हम यहां पर अक्सरियत में होने की वजह से हम यहां पर यकीनन हमारी कामयाबी का झंडा गाड़ सकते। मजलिस पूरे बहुत अच्छे उम्मीदवारों को, डॉक्टर्स खास तौर पर जुड़ रहे हैं मजलिस से, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत एजुकेटेड लोगों ने चोपड़ा में भी मुलाकात किए। खुशी की बात तो यह है कि आज दर्जन भर से ज़्यादा गैर मुस्लिम हमारे जो हिंदू भाई है, इन्होंने आज मजलिस में, चोपड़ा में शमूलियत इख्तियार की। ये मजलिस की कामयाबी की एक अलामत है कि जो एक तरीके से एक बैरियर था कि भी मजलिस आमतौर पर मुस्लिम अकलियत की के ही जो है सिर्फ दावे करती है, ये करती है, मगर जब लोगों की आंखें खुल रही है
और लोगों को यह एहसास हो रहा है कि मजलिस हर हिंदुस्तानी की आवाज़ है, मजलिस हर हिंदुस्तानी की आवाज़ है। और यही वजह से आज बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने चोपड़ा जैसे तालुके में मजलिस का दामन थामा और उससे हमारी हिम्मत बढ़ी। अब अगला पड़ाव हमारा रावेर होगा, रावेर तालुका। इस तरीके से रावेर लोकसभा का एरिया पूरा करने के बाद बहुत जल्द तमाम तालुकों के तालुका अध्यक्ष की नियुक्ति और शहर अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द अगले इसी हफ्ते में पूरे रावेर लोकसभा की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी, ताकि ये लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस बढ़े।